एक थी सोनाक्षी, कक्षा 3 में पढ़ती थी। और एक था आरुष, जो कक्षा 5 में पढ़ता था। दोनों प्राथमिक विद्यालय खेमीपुर में पढ़ते थे। एक दिन उनकी टीचर ने उन्हें कुछ चने के दाने दिए। सोनाक्षी को कुछ दाने दिए ये, और आरुष को कुछ दाने दिए ये। ठीक है, अब दोनों के पास कुछ दाने हो गए, सोनाक्षी के इधर और आरुष के इधर। अब सोनाक्षी कहने लगी, भैया मेरे पास तो बहुत दाने हो गए। आरुष ने कहा, नहीं सोनाक्षी, मेरे पास ज़्यादा दाने हैं। सोनाक्षी हट करने लगी, जिद करने लगी कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा है। सोनाक्षी छोटी थी, उसे बहुत समझ नहीं था। तब आरुष ने सोनाक्षी को समझाया, अच्छा चलो हम एक से एक की तुलना करके देखते हैं। ठीक है, एक से एक की तुलना करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा है। सोनाक्षी मान गई। अब एक से एक की तुलना कैसे हो? देखिए, आरुष ने क्या किया, सोनाक्षी के दानों को एक तरफ किया और अपने दानों को एक तरफ। अब एक दाना सोनाक्षी से लेता, कहता एक, और एक दाना आरुष से, फिर एक दाना सोनाक्षी से, दो, ये भी दो, 3, ये भी 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सोनाक्षी के हो गए ख़त्म सारे चने के दाने, और आरुष के पास अभी इतने दाने और बचे हैं। तब आरुष ने सोनाक्षी से कहा, अब बताओ तुम्हारे पास और कोई चने के दाने बचे हैं? सोनाक्षी ने कहा, नहीं भैया। और आरुष ने तब बताया, देखो मेरे पास इतने सारे बचे हैं, अब बताओ किसका ज़्यादा हुआ।
मेरा ना, सोनाक्षी ने कहा। हाँ भैया, मुझे अब बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम बड़ी संख्याओं को एक से एक की तुलना करके भी जान सकते हैं कि कौन कम है, कौन ज़्यादा है, ठीक है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये भी हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो कम होगा वो छोटा होगा और जो ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बाय।